और आइए अब आपको सीधे लेकर के चलेंगे भिंड के मेह गांव, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पहुंचे हैं और आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। एक पहली जनसभा हमारी हुई जो मैं इसके पहले करके आई मुरावली में और अब मैं यहाँ आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी जब मध्य प्रदेश विधानसभा का रिजल्ट आ रहा था, हम रात को 12 बजे तक एक दूसरे से बात कर रहे थे। शिवराज जी भोपाल में थे और मैं दिल्ली में थी और मैं टेलीविजन पर देख रही थी कि सीटों की संख्या उतनी नहीं है, धीरे धीरे कम हो रही है कि हम सरकार बना सकें। तो मैंने शिवराज जी को कहा, शिवराज जी सोच भी नहीं सकते हैं कि वो बात मेरे मन पर कितना गहरा असर कर रही थी। मैंने कहा भैया कोई उपाय की जाए, कोई उपाय किया जाए, तो एकाध सीट की कमी रह गई है। भैया ने कहा कि नहीं, मैं ऐसी सरकार में नहीं रहूंगा दीदी, मैं इस्तीफा दिए देता हूँ, प्रभाव को स्वीकार किए देता हूँ, लेकिन इस प्रकार की सरकार में मैं नहीं रहूंगा। तो मुझे अटल जी की बात याद आई कि पार्लियामेंट में अटल जी को कहा गया, पीछे से समझाया गया कि कुछ सांसद ऐसे हैं जिनको लाया जा सकता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि लोकतंत्र की धारा स्वाभाविक बहकर की आनी चाहिए, हमें अपनी तरफ से कोई प्रयास उसके लिए नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। और ऐसा करके अगर आपको याद हो, अटल जी ने इस्तीफा दे दिया था जो एक वोट से हमारी सरकार चली गई थी। उसके बाद मुझे लगा, क्योंकि शिवराज जी ने मुझे कहा कि दीदी जब भी सरकार बनेगी वो पिकड़ों के बल पर नहीं बनाऊंगा, तपस्या के बल पर ही सरकार बनाऊंगा। और अंत में मैंने देखा उन्हें भोपाल छोड़ दिया, वो भोपाल ढूंढ गए, वो जगह जगह गाँव गाँव में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लग गए। भाजपा के कार्यकर्ताओं को वैसे भी सत्ता में और सड़क पर रहने में ज्यादा अंतर नहीं नजर आता है। सत्ता में रहेंगे तो भी वैसे ही रहेंगे, सत्ता से बाहर रहेंगे तो भी वैसे ही रहेंगे। आपने अभी देखा होगा मुझे कष्ट की भूख लगी हुई थी, तो मैंने यही बिस्किट और चाय मंगाई। हम कांग्रेस के नेताओं की तरह नहीं है कि हमारे लिए अलग से थप्पड़ भोग लगाए जाए, फिर हम आराम से बैठ करके खाएं। हम तो कई बार क्षेत्र में जाकर के मांगते थे रोटी खाते हैं, घूमते हुए भैया रोटी दे दो। और जबकि मुख्यमंत्री थी, मैं मंत्री थी, शिवराज जी का भी यही स्वभाव है, और इसलिए ऐसी स्थितियां अंत में बनी कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो नहीं चल सकी, क्योंकि उनकी कुंडली में ही लिखा हुआ था कि ये जो जन्म ले रहा है बालक, सरकार का सरकार रूपी बालक, ये अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। और अंत में सरकार अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई और सरकार गई। सरकार जाने में हमारा कोई रोल नहीं था, जो हालात सरकार के अंदर कुछ लोगों के कर दिए गए, ज्योतिरादित्य जी के कर दिए गए, विधायकों के कर दिए गए, उनका अपमान किया गया, उनको नीचा दिखाया गया, ये आप ध्यान रखिएगा, हमने कहीं भी कभी भी कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई है, कांग्रेस के ही लोगों ने कांग्रेस की सरकार गिराई है। हमने कभी कोई ऐसी फिक्र नहीं की कि हम कांग्रेस की सरकार गिराएंगे। इसके पहले अब आपको मैं याद दिलाऊंगी, जब अयोध्या हुआ 6 दिसंबर हुई तो पटवारी कार सेवा में नहीं गए थे, पटवारी के मंत्रिमंडल के सदस्य कार सेवा में नहीं गए थे, कार सेवा में वो लोग गए थे जो हिमाचल में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में सरकार में थे ही नहीं, और उत्तर प्रदेश में भी वो लोग गए थे जो सरकार में नहीं थे। लेकिन जैसे ही 6 दिसंबर की घटना हुई हमारी सारी सरकारी गिरा दी गई और उसकी पीड़ा अटल जी को रही, और इसलिए जब उन्होंने संविधान में संशोधन किया 356 में, तब उन्होंने 356 में संविधान में संशोधन किया। ये पाप हम कभी नहीं करेंगे। जब इंदिरा गांधी जी 77 में चुनाव जी हारने के बाद 80 में चुनाव जीत गई तो उन्हें हमारी निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया था, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पर रसा सिंह जी जैसे लोग बैठे हैं जो उन सब चीजों के शिकार हुए थे, और आज ये हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं। हमने कभी भी अगर इच्छा नहीं थी कि कोई सरकार हमारी वजह से गिरे, सरकार कई कारण से गिरनी चाहिए, या तो जनता उसके खिलाफ हो गई है या उसके विधायक ही उसको गिराना चाहते हो, कोई भी कारण से मध्य प्रदेश की सरकार गिरी। जब बीपी मिश्रा की सरकार गिरी थी तो अहमदा विद्याराजे सिंधिया कांग्रेस में ही थी, और जिस प्रकार का अत्याचार उस सरकार ने किया था उसका परिणाम हुआ था कि ज्योतिरादित्य की दाढ़ी उस सरकार के खिलाफ हुई और उन्हें कांग्रेस को ध्वस्त किया,
भोजन संघ में शामिल हुई और अंत में संघ सरकार बनी और राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने ही एक पूरी भूमिका बनाई जिससे कि मध्य प्रदेश में पहले जनसंघ और फिर भाजपा बहुत मजबूत होती गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसी दौर में आ गए अंत में जिसमें कि उनकी दादी थी। उनको लगा कि अब कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी है, कांग्रेस के लिए सरकार जनता की सेवा का मार्ग नहीं रह गई है बल्कि एक आनंद का, उत्सव का और ऐश्वर्य का साधन बन गई है। तो उन्होंने ये काम किया और वो अपने विधायकों के साथ उन्होंने ही अपनी पार्टी की सरकार गिराई और जब गिराई और उस स्थिति में हमको लगा जैसे गंगा जी जब बहती है तो गंगा अकेली अपनी धारा से नहीं बनती, उनमें कई धाराएं आकर के मिलती है तब गंगा जी बनती है। हमारी ये जो शिवराज जी की शिव की जटाओं से जो गंगा निकली है ये कई धाराओं को मिला करके अपने मध्य प्रदेश में ये गंगा बनी है। और जब कोई भी नदी गंगा जी में आकर के मिल जाती है तो वो गंगा जी के जैसे ही हो जाती है, उसका नाम गंगा ही हो जाता है, उसका नाम और कोई नहीं रहता। मैं होती है इसको जानती हूँ जो यहाँ से विधायक रहे, मेरे छोटे भाई जैसे रहे, सरल स्वभाव के आदमी है, थोड़े हनुमान जी टाइप के भी हैं। अब हनुमान जी टाइप के क्या होते होंगे आप सोच रहे होंगे, हनुमान जी का क्या होता है कि जैसे हनुमान जी गए लंका में तो रामचंद्र जी ने कहा मुद्रिका दी पहचानने के लिए कि सीता जी कैसे पहचानेगी आपको, और कहा कि जाओ पुत्र खबर लेकर के आओ सीता जी की। हनुमान जी वहां गए तो देखा कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और जिस प्रकार के हालात उन्होंने देखे तो हनुमान जी ने आगे का प्लान कर लिया, उनकी पूछ में आग लगा दी गई। जब आग लगा दी गई तो हनुमान जी को ध्यान आ गया कि जब भी सत्यनारायण की कथा होती है और अगर गांव भर का चंदा आता है तो प्रसाद भी गांव भर में बैठता है, तो अगर गांव भर से तेल आया और कपड़ा आया मेरी पूछ में लगाने के लिए तो प्रसाद भी गांव भर में ही बैठना चाहिए, पूरी लंका में बैठना चाहिए। तो जब उन्होंने अकेला रावण का शिवलिंग चढ़ाया तो पूरा प्रसाद माता। अब उस समय में हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कोई रामचंद्र जी को व्हाट्सअप किया या SMS किया, हेलो सर क्या मैं लंका जला सकता हूँ, और फिर रामचंद्र जी कहें कि थोड़ी देर रुक जाओ और थोड़ा प्लान करो। लेकिन हनुमान जी को लगा कि लंका जलाना जरूरी है तो जला करके चले आए, सीता जी के जनों में प्रणाम दिया, उन्होंने सीतामणि उतार के भी पहचानी की। और हम ये OPS इसी टाइप के हैं, इसलिए OPS मेरा है जो कहीं का नहीं है, आप ध्यान रखिएगा ये मेरा उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी में, उमा भारती का उम्मीदवार है, क्योंकि वो व्यक्ति है जो किसी भी काम को कराने के लिए अपने आप को झोंक देते हैं। और इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं मेरे बड़े भाई, वो मुझसे 1 साल बड़े हैं और मुझे दीदी माँ कहते हैं, क्योंकि छोटी बहन और बेटी भी माँ ही होती है और मैं भी उनसे बहुत स्नेह रखती हूँ। वो एक ऐसे व्यक्ति है कि मैं ये मानती हूँ कि अब की बार, क्योंकि वो पहले बने मुख्यमंत्री 6 में, फिर वो मुख्यमंत्री बने 8 में, फिर वो मुख्यमंत्री बने 13 में, और अब वो जो मुख्यमंत्री बनेंगे और अब वो जो सरकार चलाएंगे, अब उनको एक बात समझ में आ गई है कि ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है जो उनके साथ हुआ है, ये ईश्वर की कृपा से ही संभव हो सकता है। क्योंकि जो हालात थे उन हालातों में जिस प्रकार से उनका मुख्यमंत्री बनने का फैसला हुआ, ये ईश्वर का फैसला है, ये प्रकृति का फैसला है, ये परमात्मा का फैसला है। और इसलिए अब की बार का जो सरकार का कार्यकाल होगा, कार्यप्रणाली होगी, उसमें मुझे लगता है कि जनता की सेवा, जनता का ध्यान, लोगों को आगे बढ़ाने की चेष्टा, कोरोना का घोर संकट काल है, ये घातक शत्रु है, घात लगाए बैठा हुआ है, उसके पहले जो बीमारियां फैलती थी ना उसमें पता लग जाता था, हैजा हो गए, मलेरिया हो गए तो पता लग जाता था, लेकिन ये ऐसा घातक शत्रु है, घात लगा के बैठा हुआ है और ये पता भी लगने लगता है कि किसको है। और ये हमारी ही गलतियों का परिणाम है, हमने नदियां खत्म कर दी, हमने पहाड़ खत्म कर दिए, हमने पेड़ खत्म कर दिए, हमने जो सब्जियां उगाई वो इंजेक्शन लगा करके लौकी बड़ी करवा दी, कद्दू लगा के लौकी कद्दू बड़ा करवा दिया, गाय को इंजेक्शन लगवा करके दूध ज्यादा निकलवाया, मिलावट वाली चीजें हमने अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई, उसके कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमने खुद ही खत्म कर ली। और इसके कारण अब अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। और जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के अभियान की जो बात कही है,
आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है? आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि भारत अपनी शक्ति से खड़ा हो, भारत की जो अपनी शक्ति है उससे खड़ा हो। अब भारत जब अपनी शक्ति से खड़ा होगा तो अपने आप वो जैविक शक्ति से खड़ा होगा, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां आस्था और विज्ञान अलग नहीं है, जहां प्रकृति और परमात्मा अलग नहीं है। आप देखिए भारत की संस्कृति क्या है, हम तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं, वो हमें संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। हम नदियों की पूजा करते हैं क्योंकि वो हमें वाटर शेड देती है, सिंचाई देती है, जल देती है। हम धरती से लेकर के आकाश तक सारी वनस्पतियों की पूजा करते हैं, हम उसमें कोई ना कोई भगवान देखते हैं। यहाँ तक कि दुबा को भी हम गणेश जी के सिर के ऊपर रखते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि दुबा इतनी पवित्र है जो पांव के नीचे बांधी जाती है, उसको भी हम गणेश जी के सिर पर रखते हैं। हम सांप को शंकर जी के गले में धारण किया हुआ देखते हैं, हमें शेर, हम शेर को जुड़ा जी की सवारी मान करके चलते हैं। अब मैं एक बात कहूँ, हो सकता है किसी को तिनकिनी लगे, लेकिन मैं कहूंगी, जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाला, क्योंकि औरंगजेब को जल्दी जल्दी नसीब होने की आकांक्षा थी और वो हो नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ये बुढ़ा मरता नहीं है तो इसको जेल में डाल दिया, तो उन्होंने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया। आज पिता पक्ष इसलिए उस बात को याद कर रही है, और जब जेल में डाल दिया तो जेल में भी नहीं मरे, तो जब नहीं मरे तो उसने उनका खाना बंद करवा दिया, तब भी नहीं मरे तो पानी बंद करवा दिया, और जब पानी भी बंद करवा दिया तो शाहजहां ने औरंगजेब को चिट्ठी लिखी जो कि हिस्ट्री में है वो चिट्ठी। उसने लिखा कि एक तू है मेरी औरा जो जिंदा बाप को क्या काम आ रहा है, और एक होते हैं वो हिंदू जो मरे हुए रामदारों को भी पानी पिलाते हैं और उनकी भूख प्यास की चिंता करते हैं, उनका तर्पण करते हैं और उनकी भूख प्यास की चिंता करते हैं। ये है वो चीज कि हम प्रकृति और पर्यावरण और विज्ञान और आस्था को हम साथ लेकर के चलते हैं। आज मैंने अपने आप को गंगा जी के लिए झोंक दिया, मैंने गंगा को वचन दिया, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ी लोकसभा का, चुनाव रहती शायद मंत्री भी होती, लेकिन मेरे मन में थी ये की बात कि कहां गंगा और कहां मंत्री। अरे मंत्री तो कितने मंत्रियों की अस्थियों का विसर्जन हुआ है गंगा में, और कितने राजाओं की अस्थियों का विसर्जन हुआ है गंगा में। गंगा की धारा तो ये कल कल चल चल रहती, क्या कहती गंगा धारा, और युग युग से बहता आता ये पुण्य प्रवाह हमारा, ये पुण्य प्रवाह है जो चारों युगों से बहता जा रहा है। उस प्रवाह की अविरलता को बनाए रखने में अगर मेरा जीवन काम आता है, उससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। ये जो हमारा देश का स्वभाव है कि हम प्रकृति और परमात्मा में और आस्था और विज्ञान में हम मेल बना करके चलते हैं, यही है वो चीज जो जैविक युद्ध में भारत को विजय दिलाएगी, कोरोना से युद्ध में भारत को विजय दिलाएगी, और यही बात मोदी जी ने पकड़ी है। मोदी जी कौन है? मोदी जी सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो हिमालय से आए हुए एक योगी है, उनने हिमालय में जाकर के तप किया है, उनको वहां के संतों ने आज्ञा दी कि जाओ बेटा तुम्हें तप नहीं करना है, तुम्हारा असली तप है लोगों के बीच में जाकर के तपो, काम करो, गरीबों के लिए संघर्ष करो। तप का मतलब होता है तपना, उनको कहा कि जाओ और तुम लोगों के बीच में संघर्ष करो और तपो, यही तपस्या है तुम्हारी, और इसी का परिणाम है कि वो आज हमारे देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने हमेशा कहा कि जब भी कोई चुनौती आती है तो उस चुनौती को अवसर मानो, तो कोरोना भी एक चुनौती आई है और इस चुनौती को हम अवसर में बदल सकते हैं। थोड़ा सावधानी बरतिए, नजदीक कम आइए, मुंह पर मास्क लगाइए, थोड़ा भोजन पर नियंत्रण करिए, काढ़ा पीजिए, करवा लगे तो थोड़ी शहद डाल लीजिए उसके अंदर, ये सारी सावधानियां बरतिए। और आत्मनिर्भर भारत की जो योजना आपके लिए बनकर के आ रहे उसमें पूर्णतया भागीदारी करिए। जैसी तपस्या मोदी जी करके प्रधानमंत्री बने हैं, जैसी तपस्या करके मैंने हराया था मिस्टर बंटाधार सिंह को, क्योंकि बंटाधार सिंह हमेशा यही कहते थे अरे वो गांव के गरीब घर की लड़की पैदा हुई लड़की और कहां भी महल का राजा, और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं छोड़ दूंगा और संन्यास ले लूंगा, चढ़ा चढ़ा जाऊंगा। लोगों ने मुझे कहा मीडिया वालों ने कि दीदी तुम भी कोई प्रतिज्ञा कर लो, हमने कहा मैं क्या करूं, मेरे कोई मुझे तो है नहीं कि मैं कहूँ कि मैं बोलूँ बोलवा लूंगी, तो मैं करूँ क्या, कौन भी प्रतिज्ञा करूँ। मैंने यही मन में धारण किया कि अच्छा ठीक है जीत जाएंगे तो तिरुपति बालाजी में जाकर के बाल चढ़ा आए, इतना मैंने मन में तय किया, वैसे कभी बताया नहीं। उसके बाद उनको यकीन ही नहीं हुआ, हमने यहाँ पर सरकार बना ली,
बहुत तपोबल से वो सरकार बनी, क्योंकि चुनौती ये थी कि एक पिछड़ी जाति में पैदा हुई, एक संन्यास का वस्त्र धारण किए हुए किसान की लड़की मेरा क्या मुकाबला कर पाएगी। उनकी समझ में ये नहीं आया कि जब प्रहलाद हाथ जोड़ करके खंभे के सामने खड़ा हो गया था तो उसी में से नरसिंह अवतार हो गया था, और कुछ ऐसा ही हुआ कि मध्य प्रदेश की जनता में से ही नरसिंह अवतार हुआ। मैं सरकार छोड़ के चली गई, एक बहुत बड़े काम के लिए गई, मैं तिरंगे की शान के लिए गई। तिरंगे की शान मुख्यमंत्री की कुर्सी की शान से बहुत बड़ी है। कारगिल में लोगों ने अपनी जान दी है, देश के सिपाही और आईटीबीपी और अन्य पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान तिरंगे के लिए अपनी जान देते हैं। मैं किसी एक शान के लिए, देश की प्रतिष्ठा के लिए सरकार छोड़कर चल गई, लेकिन उसके बदले में जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो आज मैं आपके बीच में घोषणा करके जा रही हूँ कि इतनी अच्छी सरकार मैं नहीं चला सकती थी जितनी अच्छी सरकार शिवराज जी ने चलाई। और जिस तरह से उन्होंने मेहनत करी, एक संत की तपस्या से बनी हुई सरकार में उन्होंने आराम नहीं किया, उन्होंने भी तपस्या करी, कार में रोटी खाई, हेलीकॉप्टर में रोटी खाई, 12-12 बजे रात तक जगे, कितना ज्यादा मेहनत करी है, जितनी मेहनत तपस्या करी जितनी की शिवराज जी ने तपस्या करी है, किस देश इस प्रदेश में आप तपस्वी ही राज कर पाएंगे। और मैं ये कह सकती हूँ कि भले ही मैंने धर्म से संबंधित बड़े बड़े आंदोलन में भाग लिया हो, लेकिन शिवराज जी राजा जनक के जैसे गृहस्थ हैं और वो गृहस्थ में रहते हुए भी वैसी ही तपस्या करते हैं अपने जीवन में और जीवनचर्या में, जीवन शैली में जैसे की कोई तपस्वी करेगा। और इसलिए उन्होंने, मैं आज गर्व के साथ कह सकती हूँ कि उसकी अच्छी सरकार शायद मैं न चला सकती। उनके स्वभाव में धैर्य है, उनके स्वभाव में सहनशीलता है, जो शासक के स्वभाव में बहुत जरूरी होती है। मेरे स्वभाव में धैर्य बिल्कुल नहीं है, मेरे स्वभाव में सहनशीलता बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मुझे तो लगता था जब मैं पहला चुनाव जीती थी लोकसभा का, तो मुझे लगता था दूसरा चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और मुझे जनता थी कि मैं जिस तरह का सख्त बर्ताव करती हूँ तो हमारी सरकार ही न बना पाए। शिवराज जी, मैं आपका अभिनंदन करूंगी कि आपकी बदौलत हमने यहाँ पर 3 बार सरकार बनाई, आपकी सत्या के लिए। और आज जब सारे विधायक और दिल्ली के नेतृत्व को लड़ा कि शिवराज जी को ही दोबारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, पर हम सब के मन में भी यही भाव आया, इसका कारण इनका इनकी तपस्या और इनकी जीवन शैली है। इसलिए आज मैं आप लोगों से एक बात कहने के लिए आई हूँ। ओपीएस भदौरिया ज्योतिरादित्य जी के साथ में आए हैं, ओपीएस भदौरिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन ओपीएस भदौरिया उमा भारती के उम्मीदवार हैं, आप ध्यान रखिएगा। अभी चुनाव का समय नहीं आया है, अमृत शिवराज जी कहेंगे तो दोबारा भी कहीं यहाँ पर आऊंगी, लेकिन आज मैं ये कह करके जाऊंगी कि ओपीएस भदौरिया जब यहाँ से चुनाव जीत करके जाएंगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मेरी शान बढ़ेगी। और जब ये लगेगा कि दी भी गई थी इसलिए वो पीएस जीते थे, तो मेरी जो इज्जत बढ़ेगी, मैं ये ध्यान रखूंगी कि मैं आपकी भी मूछ नीचे नहीं होने दूंगी, मैं भी आपकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखूंगी। जो विकास कार्यों की घोषणा हुई है वो यहाँ पर पूरी की जाएगी। इसके अलावा भी आप मेरा जितना बल बढ़ाओगे मैं उतना गंगा के लिए काम करूंगी, मैं उतना गौ के लिए काम करूंगी। राम का काम तो पूरा हो गया, भव्य मंदिर का चमचमाता हुआ कलश हम और आप अपने जीवन काल में देखेंगे, वो काम तो पूरा हो गया, लेकिन अभी राम राज्य का काम अधूरा है। और मैं आज आपके बीच में बोल रही हूँ, उसमें लिखा है ना जिन्हें लंका कांड पढ़ा है, जब रामचंद्र जी ने शिव जी का शिवलिंग स्थापित किया और उनने कहा कि मुझमें और शंकर जी में भेद मत करना, रामचंद्र जी ने कहा कि मुझमें और शिव जी में भेद नहीं करना, अगर शिव प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूँ और अगर मैं प्रसन्न हूँ तो शिव प्रसन्न है। राम राज्य की भूमिका शिव ने ही तैयार की थी, भगवान शिव ने। और इसलिए जो आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है प्रधानमंत्री मोदी जी की, जिसमें गरीब आदमी को रोटी और रोजगार मिले, आपने देखा कितना बड़ा दृश्य देखने को मिला, जब एक तरफ हजारों मजदूर पैदल चले, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था की, रहने की, रोटी और रोजगार की। और दूसरी तरफ हमने देखा कि कई लोगों के कुत्ते भी हवाई जहाज से लाए गए हैं, आपको पता हो तो एयर कंडीशन हवाई जहाज एयर कंडीशन होते ही है, और उन्हें एक एक कुत्ते को लाने का इसी भारत में 1.25 लाख रुपया किराया दिया। यही बात है तो बहुत खतरनाक है, किसी को काटना एक बहुत बड़ी चुनौती है, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है मोदी जी के लिए भी, और इस मामले में शिवराज जी मध्य प्रदेश में इसको पाट करके मोड़े मिस्टेक बना करके दिखाएंगे आत्मनिर्भर भारत की योजना को। क्योंकि हनुमान जी
जब लौटे रामचंद्र जी के पास सीता जी की खबर लेकर के, तो रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान सीता की शुभ सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जल्दी चलो बस। तो रामचंद्र जी ने कहा कि इतना बड़ा समुद्र पार करना है कैसे होगा। तो हनुमान जी ने कहा कि ध्यान रखना, ये समुद्र पार करना आसान होगा, लेकिन सीता की आंखों से जो आंसुओं की धारा का समुद्र बनेगा उसको पार नहीं कर पाओगे आप, उसको पार करना कठिन होगा। इसलिए जितने जल्दी हो सके चलो। मेरी यही कहना चाहती हूँ, सड़क पे गर्मी में बच्चों को बगल में दबाओ, भूखे प्यासे पैदल चल रहे लोग, और दूसरी तरफ अपने कुत्तों को हवाई जहाज में बिठाने का किराया देते हुए लोग, ये जो अमीर और गरीब के बीच का समुद्र है इसको पाटना बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ी चुनौती है, आतंकवाद से भी बड़ी चुनौती है, चीन से भी बड़ी चुनौती है, पाकिस्तान से भी बड़ी चुनौती है, कि अमीर और गरीब की जीवन में इतनी विषमता नहीं होनी चाहिए जितनी की हमें देखने को मिलती है। और इसको पाटने का काम अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी कर पाएंगे, और मध्य प्रदेश में वो शिवराज जी करके दिखाएंगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की योजना का स्वरूप ही इस प्रकार का है। इसलिए आगे की तैयारी करिए, कहीं किसी चक्कर में मत पड़िए। एक भी बात का ध्यान रखिए कि डीडीआई थी कह गई थी कि ओपीएस मेरा उम्मीदवार है, और आप यकीन करिएगा ये बात मैंने बहुत आत्मा से और बहुत मन से कही है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि आप सब लोग मेरा मान रखिएगा, और जहां जहां मुझे ओपीएस कहेगा अभी तो मैं वहां भी छात्रों का वोट मांगने के लिए आऊंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। जरा उठाइए मेरे साथ हाथ और दीजिए मेरे बड़े भैया को शिवराज जी को वचन कि ओपीएस यहाँ से प्रचंड मतों से जीत के जाएगा। ये पंजाब में इतनी छाप हो गया है, आप तो हनुमान जी की मुट्ठी बनाइए और उस मुस्तिका के साथ बोलिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी जी, प्रकृति परमात्मा राशिता और भारतीयता से रोज बोलो दिए ज्ञान गंगा निश्चित ही हमें सफलता की ओर ले जाएगी। एक बार पुनः कर्तव्य ध्वनि से जोरदार दीदी के लिए उनका स्वागत अभिनंदन वंदन। और अब जिनके लिए परक पावड़े बिछाए हैं सुबह से, और जो हमेशा चिंतन करते हैं अपनी जनता की, अपने गरीबों की, किसानों के मसीहा, हम सबके जननायक, हमारे प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री जोरदार बहुत बहुत धन्यवाद। मान लीजिए शिवराज सिंह चौहान बोले भारत माता की, दीदी आइए आज भारतीय संस्कृति और स्वाभिमान की प्रतीक हमारी दीदी एक बार जोर से हो जाए, भारत माता की, हैदराबाद सरकार की, हमारे आसपास की जनता की, सभी बहनों भाइयों की, और मेरे भांजे और भांजियों की, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारी दीदी, जिनका नाम सुनते ही मध्य प्रदेश की जनता श्रद्धा से भर जाती है, और एक नहीं अनेकों अद्भुत कार्य उनके द्वारा संपन्न किए गए हैं। आरोपी आशीर्वाद देने आई है हमारी दीदी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, हमारी प्रेरणा, हमारी शक्ति आदरणीय सुश्री उमा भारती जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए दीदी का। मेरी सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय भाई ओपीएस भदौरिया जी, भाई अरविंद जी, मेरी सरकार के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, बहन संध्या जी, जिलाध्यक्ष नाम सिंह गुर्जर जी, भाई लाल सिंह आर्य जी, आदरणीय रसाल सिंह जी, आदरणीय मुकेश चौधरी जी, आदरणीय राकेश शुक्ला जी, भाई अशोक अरगा जी, संजीव काकर जी, केशव सिंह भदौरिया जी, रवि सैन जैन जी, कीर्ति सिंह जी, रमेश जी, आदरणीय कोक सिंह नरवरिया जी, देवेंद्र नरवरिया जी, केदार वर्मा जी, भाई प्रीतम लोधी जी, ममता भदौरिया जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरे बहनों भाइयों बेटे बेटियों,
दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। अभी दीदी को हम सुन रहे, दीदी वो है जिन्होंने 2003 में एक दम अहिंकार आतंक अत्याचार और मध्य प्रदेश का बंटा ढार करने वाली सरकार को उखाड़ कर फेंका था। उमाजी के अलावा किसी में ताकत नहीं थी तो सरकार को उखाड़ कर फेंक दे। एक बार फिर दीदी के लिए तालियां बजाइए, उनका अभिनंदन कीजिए। आय प्रफुल्ल पर प्रसन्न अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मोदी जी ने शिलान्यास किया है, लेकिन मंदिर के निर्माण के लिए अपना खून पसीना बहाने वाली, त्याग और तपस्या करने वाली, उस समय जैसे अद्भुतकारी कभी हनुमान जी ने किए थे रावण को युद्ध में पराजित करने को, वैसे ही शौर्य का प्रदर्शन करने वाली हमारी दीदी उमा भारती आज हमारे बीच में आई है। एक बार फिर दोनों हाथ उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। मध्यप्रदेश सरकार बनाई, मुझे जाने को गर्व है कि अगर मैं 13 साल में भी कुछ अच्छा कर पाया तो उसके पीछे उनके पंचायत की मूल प्रेरणा थी, जल जल जमीन जंगल और पशुधन, इसको मिला के आधुनिक मध्यप्रदेश के निर्माण की जो कल्पना की थी वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय था, जो दीदी ने पंचम के रूप में मध्यप्रदेश की जनता के सामने रखा था और उसी को देखकर मैंने कुछ अच्छा कर पाया। और जो फिर एक बार देखो दीदी का दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के आप स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और अपने उद्बोधन के प्रारंभ में आज मैं दीदी ये कहना चाहता हूं, आत्मनिर्भर भारत मोदी जी का संकल्प है, लेकिन वो संकल्प आपके बिना पूरा नहीं हो सकता। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और हेलीकॉप्टर में भी बैठ के सर भगवान ने हमारे मन में यह भाव पैदा किया, आज हमने योजना बनाई कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का ड्राफ्ट आदरणीय दीदी तैयार करेगी और सबसे चर्चा करके मोदी जी से भी उसको स्वीकृत करा के 3.5 साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा दिन आता है जो इतिहास की धारा बदल देता है। आज मुझे लग रहा है दीदी के मन में जो भाव है मध्य प्रदेश की जनता की सेवा का, लोक कल्याण का, वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। एक तरफ ये संकल्प करने वाली सरकार, ठीक ने सही कहा, वो सदन बात आई, हमारे साथ ही बैठे हैं, यहाँ पे अरविंद जी बैठे हैं, भारत सिंह जी बैठे हैं, बाकी वरिष्ठ बैठे हैं। बात ये भी आई थी कि 3-4 सीटों का महत्व चाहे तो सरकार छोड़े, कोशिश करें फिर से बनाए, वोट कॉमन को ज्यादा मिले, लेकिन तब हमें ये तय किया कि नहीं, सीट कांग्रेस की ज्यादा है, भले 4 ज्यादा हो, अब कांग्रेस की सरकार चलाए। हमने सोचा था 15 साल बाद आए, शायद कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे। हमने सपने में कल्पना नहीं की थी कि 15 साल में फिर मैं मुख्यमंत्री बन के आ जाऊंगा, सपने में भी सचमुच में कभी नहीं सोचा था। हम तो झोला लेकर निकल पड़े, जाते अन्याय हो अगर जाते थे, लेकिन कमलनाथ जी क्या हालत उन्होंने मध्य प्रदेश की कर दी। ये हो गया भवैया खड़े, ये हो गया एक बार नहीं अनेकों बार कमलनाथ के पास गए, सरकारी मुख्यमंत्री जी के पास, हमारे इनको तहसील बताओ, रोड में नगर पंचायत टूटी नहीं चाहिए, रतनगढ़ मैया का पानी लाओ, मुझे क्या क्यों तकलीफ होती बहनों और भाइयों, हमारे के साथ न्याय किया, हमने फैसला किया था हमारे तहसील होगी, कमलनाथ जी जवाब देना पड़ेगा ऑन रिकॉर्ड, हमारे की धरती में खड़े रहकर शिवराज सिंह चौहान कह रहा है, बताओ तुमने अमाइन को तहसील बनाने का प्रस्ताव क्यों रद्द किया। कांग्रेस के लोग सुन रहे हो, उनको जवाब देना पड़ेगा, बोलो अमाइन को तहसील बनाने का प्रस्ताव रद्द करना अमाइन के साथ अन्याय है कि नहीं है, ऐसे नहीं सपोर्ट के बताओ अन्याय है कि नहीं। अब तू कैसी से क्या चला, खुद को कुछ देते नहीं हो और अगर दूसरे ने दिया तो उसको छीनने का काम करते हो। ओपीएस जेल गिराते रहे, स्वभाव नहीं है इनका, लेकिन जनता की याद रह करते रहे, हमारे को तहसील बनाओ, उन्हें ध्यान नहीं दिया, निरस्त कर दिया। आज अगर शिवराज सिंह चौहान आया है
हम आने वालों खाली हाथ नहीं आया है। अमाइन को तहसील बनाने की अधिसूचना जारी करवा के मैंने अमाइन में कदम रखा है और अधिसूचना की कुछ औपचारिकता होती है, वो औपचारिकता जब तक पूरी होगी तब तक कल से ही यहाँ कमिश्नर है, क्या है भाई कमिश्नर है और कलेक्टर है, कल से अमाइन में तहसील शुरू हो जानी चाहिए। जनता को और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, कहां फंसे थे बड़ी देर चली गए लाला, अब हम फंस गए, अब कौन के आगे बीज बचाओ कोई सुनता है क्या? रोन की बात प्रशांत सिंह जी बैठे, रोन को आपने रोन क्षेत्र के लोगों ने सबके मिले मुझे कहा कि रोन में नगर पंचायत बनाओ, दीदी हमने रोन को नगर पंचायत बनाया। जैसी सरकार कमलनाथ जी की राजा की रोन को नगर पंचायत बनाया, उन्होंने फिर से नगर पंचायत से ग्राम पंचायत कर दिया। एक बना चाहता ये रोन वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जवाब देना पड़ेगा। और आज जब मैं अमाइन में खड़ा हूं तो रोन को फिर से नगर पंचायत बना के आया हूं, मेरे बहनों भाइयों फिर से नगर पंचायत बना के आया। ये विक्रांत से चलते क्या मुझे तो यही समझ में नहीं आता, मारतंगा सिंचाई योजना दीदी अपन ने बना दी और मारतंगा सिंचाई योजना से हमारे अमाइन क्षेत्र के 63 गांव की जवान जमीन दीदी किसानों की सिंचित होगी, खेतों में पानी जाएगा, फसलें लगाएगी। लेकिन कांग्रेस की बदनियां देखो, दिग्गी राजा और एक और यहां जो आजकल नदी बचाते हुए घूम रहे हैं, जब खुद मंत्री थे खोल खाई, अब नदी ध्यान में आई, 100-100 चूहे खाके दिल्ली हज करने जा रही है। एक जवाब देना पड़ेगा, भिंड जिले से मारतंगा सिंचाई परियोजना का हमारा जो प्रोजेक्ट था उसका दफ्तर भिंड जिले में था, उसको उठा के भिंड जिले से ही ले गए, दफ्तर ही खत्म कर दिया। ये भिंड जिले की जनता है, मैं कहना चाहता हूं कमलनाथ जी, दिग्विजय जी, गोविंद सिंह जी, आग से मत खेलो, अगर ये जनता आपकी को उतर आई तो कोई सिंहासन नहीं छोड़ेगी ना किसी नेता को बता ये कोई तरीका है? आप सुविधा देते नहीं हो, हमारी सुविधा छीनने का पाप करते हो, और हम कह रहे गद्दारी कर दी, पैसों से सरकार गिरा दी। आज हमारी इस पवित्र धरती पर खड़े होकर शिवराज सिंह चौहान कहना चाहता है दीदी की उपस्थिति में कि हमने कभी कोई प्रयास ही नहीं किया, सिंधिया जी को अपमानित किया, इनकी एक नहीं सुनी, यही बता रहे थे, जाते थे काम की बात करते थे, सिंचाई योजनाओं की बात करते थे तो मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं होता था, घड़ी देख के कहते थे चलो 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 24 घंटा 36 घंटा नहीं है। तो सिंधिया जी ने और ओपीएस ने भी अब कह दिया चलो 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 लगातार अपमान कर विकास के काम के लिए घूम घूम के थक गए। आज ईमानदारी से ओपीएस भरो क्या बताओ, 15 महीना उनकी सरकार चली, 15 रुपए के काम दिए क्या कांग्रेस की सरकार ने? और आपसे भी पूछा जाता हूं दिए क्या 15 रुपया के काम तुमने नहीं दिए, काय के लिए तुमने सरकार बनाई, झूठे वचन दिए वादे दिए। अरविंद भदौरिया सहकारिता मंत्री बैठे, मैं तो हैरान हूं दीदी फर्जी प्रमाण पत्र किसानों को दे दिए कि कहते हम आप और 8 करोड़ रुपए के सहकारी बैठक से अब वो मुझसे मांगने आ रहे कि मां हम बताएंगे कमलनाथ ने कह दिया हमसे बंटवा दिए सहकारी बैंकों से, फर्जी प्रमाण फर्जी नहीं क्या, मैं पैसा दूंगा प्रमाण पत्र बांटो, किसान प्रमाण पत्र ले गए लेकिन पैसा ढेरा नहीं दिया, हमें दे दो नहीं तो बैंक ही बर्बाद हो जाएगा। फर्जी प्रमाण पत्र बांटे कमलनाथ जी आपने और दिग्विजय सिंह जी तो है ही फर्जी, मैं शाम को नाम नहीं लेता नहीं कई बार नहा नहीं पड़ता है और अभी नहाने के मुंह में मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन आप बताइए किसानों के साथ धोखा है कि नहीं? अरे जोर से बताओ धोखा है कि नहीं? कितने अन्याय किए, 0% ब्याज हम कर्जा देते थे 0% ब्याज पे, 800 का
कि हमने कर्जा दिया, मतलब सरकार किसानों का पैसा भरेगी जितना ब्याज है और 0% बचेगी। अभी मांग रहे फिर मुझसे 1000 करोड़ रुपया और दो, जिनका खाएंगे वो लोग ने तो ढेरा नहीं दिया ढेरा। और अभी तारीख तय कर देना 22 तारीख को है 23 को वो 1000 करोड़ रुपया अरविंद भदौरिया के मंत्रालय को दे रहा हूँ 0% का, ये किसान मर जाएगा दंड ब्याज दे दे के। 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के, इनके घपले और घोटाले देखिए, 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के किसानों ने तो प्रीमियम दिया, इन्हें जमा ही नहीं किया। मैं मुख्यमंत्री बना, दीदी बता रही थी कोरोना काल में आया, चारों तरफ संकट थे, पैसे की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमने कहा किसानों का हक हम मारने नहीं देंगे। 22 करोड़ रुपया मैंने जमा करके 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा करवाए। और सुनो किसान भाइयों, ये कांग्रेस भ्रम करती है, हम आपको वचन देते हैं किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 18 तारीख को 11 बजे 20 लाख किसानों के खाते में 4600 करोड़ रुपया पिछले कांग्रेस के जमाने के फसल बीमा योजना के बीच डाल देंगे, किसान को न्याय देंगे। अब वो कहते थे पैसे नहीं है, हम कहां से ला रहे, 300 करोड़ के करवा लिए 3 महीना में, और अभी फिर लंबी सूची पड़ दी। लेकिन चिंता मत करना, अभी ट्रेलर है OPS और कमलनाथ थोड़ी है, पिक्चर अभी बाकी है। विकास के कामों में कसर नहीं छोड़ेंगे हम, कहीं से लाएंगे। मुझे कहे थे राहत के कहां से बांटोगे, कोरोना में कितने पैसा खर्चा हो रहा है आपको पता है, रोज करोड़ों के इलाज पर खर्चा हो रहे हैं। मैंने उपनी भरी, अरे कहीं से भी लाना पड़े लाएंगे, लेकिन गरीब किसानों को कसर नहीं रहने देंगे। ए मेरे गरीब बहनों और भाइयों, आज से हितग्राही आए, मेरी सब योजना बंद कर दी, मेरी बिटिया ने बची है, मेरी बेटियों लाली लक्ष्मी योजना बंद कर दी इस कांग्रेस की सरकार ने, मेरी भांजियों ने क्या बिगाड़ा था, मेरे भांजे भांजियों, मैं 12वीं में अच्छे नंबर ना करे, लैपटॉप के 25,000 देता था, वो 25,000 भी कमलनाथ दादा खा गए, इस साल फिर से लैपटॉप देना शुरू करूंगा। बेटियों चिंता मत करना, ये लैपटॉप के खा गए। मेरे बहनों और भाइयों, हमने संबल योजना बनाई, संबल योजना में तय किया कि गरीब बेटा बेटी हमारे जो गरीब परिवार से आते, किसी जाति समाज के हो, अगर वो मेधावी है और उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा तो माँ बाप माता पिता फीस नहीं भरवा सकते। हमने तय किया संबल में कि उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। इन्होंने कोई बात नहीं, बाद में ले लूंगा मैं तुम्हारा कागज ले लूंगा, उन्होंने वो संबल योजना भी बंद कर दी। मेरे बहनों और भाइयों, बोले संबल योजना बंद करके बच्चों की मैं ले लूंगा, अभी तुम्हारा कागज लेके जाऊंगे, चिंता मत करो। कमलनाथ तो कभी 15 महीने में आया नहीं, माँ माता तो सबके आवेदन देता है। बोलिए भारत माता की, हमें आपसे पूछ रहा हूँ, संबल योजना बंद करके बच्चों के साथ अन्याय किया कि नहीं किया, एक बार जोर से बताओ किया कि नहीं किया। और सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, क्या हम जाते थे हमारे गरीब भाई बहन कहते थे 1 रुपया किलो का गेहूं चावल हमें नहीं मिलता, कई परिवार छूट गए थे, हमने योजना बनाई कि हर एक परिवार को 1 रुपया किलो गेहूं चावल दिया जाएगा, कांग्रेस के ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन आज सुनो हमारी बालो, हमारी नहीं, दिल्ली जिले और पूरे मध्य प्रदेश के जितने शेष गरीब है, 16 तारीख को शाम को दिन के 12 बजे 1 रुपया किलो गेहूं चावल देना प्रारंभ कर दिया जाएगा, कोई गरीब शेष नहीं बचेगा। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली, उसको मेरे पास क्या है भाषण के बाद मैं उससे बात कर लूंगा, ठीक है। गरीब की थाली खाली नहीं रहने देंगे, ये कमलनाथ की नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 15 महीना में कभी कमलनाथ भिंड आएगा, जोर से बताओ आएगा, कभी अमाइन आएगा, कभी किसी का आवेदन लिया गया, कभी किसी गरीब की सुनी जा, ये गरीबों को राशन नहीं मिलेगा। और छोटे 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 दुकानदार, फुटपाथ पर फल बेचने वाले, फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले, चाय की दुकान वाले, पान के ठेले वाले, दाढ़ी बनाने वाले, पान बोतने काटने वाले, जूता सीने वाले, रिक्शा चलाने वाले, कचौड़ी बनाने वाले, समोसा बनाने वाले, पंचर जोड़ने वाले,
कबाड़ बीनने वाले, सुनो मेरे से सभी गरीब छोटे छोटे व्यापारियों, बिंदास कमाने वालों, अब तो मैं से हर एक को भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी की योजना है जिसके मदद से आदर्श ढंग से हम लागू करेंगे और 10,000 रुपए का लोन बिना ब्याज का जिसकी गारंटी सरकार लेगी, ऐसे हर गरीब को दिया जाएगा। और जिला प्रशासन ओपीएस और जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सब इसको आदर्श तरीके से आप लोग लागू करवाने का काम करें। मेरी बहनों, ये कांग्रेस की सरकार थी, संबल योजना में हमने कह दिया कि बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया दिया जाएगा। इन बेईमानों ने तो मेरी बहनों के नरुआ के 16,000 भी छीन लिए, बहनों के मुंह से लड्डू का निवाला इनने छीना। और मेरे बहनों और भाइयों, अगर एक्सीडेंट में मौत होगी थी, हम 4,00,000 रुपया देते थे, सामान्य मृत्यु पर हम 2,00,000 रुपया देते थे और अंतिम संस्कार के लिए हम 5,000 रुपया गरीबों को देते थे। इस कांग्रेस की सरकार ने तो गरीबों का कफन भी छीन लिया। मेरे बहनों और भाइयों, गरीब का कफन भी छीन लिया, विकास के काम किए नहीं, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना दिए। अगर मैं चाहूं तो घंटों उस पर भाषण दे सकता हूं, लेकिन हमारे वालों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी सरकार जिसने हमारी से तहसील छीन ली, उस सरकार को जो चली गई, उस सरकार को, उस पार्टी को जिसकी सरकार थी, सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? ऐसे ही पीछे से जोर से बोले, सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? जिसने गरीब का राशन छीना उसको सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? जिसने रोहन का नगर पंचायत छीन ली उसको सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? जिसने सिंचाई की योजना छीन ली उनको सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? संबल योजना जिनने बंद कर दी उनको सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और आज मैं कहता हूं अपने दीदी के सामने, इनको दीदी भी कहता हूं मैं और दीदी मां भी कहता हूं, जब दीदी का आशीर्वाद मिलता है तो हमारी हिम्मत भी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मेरी माँ को बचपन में चली गई थी, स्वर्गवास हो गया था उनका, लेकिन उसके बाद जब भी मुझे जरूरत पड़ती है माँ के स्नेह और प्यार की, तो बहन का प्यार भी अगर देती है तो दीदी देती है, और माँ का प्यार भी अगर बरसाती है तो दीदी उमा भारती बरसाती है। ऐसी दीदी जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है बिल्कुल, उनके साथ मिलकर और आदरणीय लोकप्रिय नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी की टीम के साथ मिलकर, हम इस मेहगा और अमाइन के विकास का नया अध्याय रचेंगे। आज कुछ मांगे और ओपीएस भदौरिया ने रखी है, और चिंता मत करना, मैंने पहले ही कह दिया ओपीएस कि हर एक चीज पूरी करेंगे। महापुरुषों के नाम पे जिन जिन के नाम रखने, उसका भी प्राप्त प्रस्ताव बना के भेजिए ताकि मेहगा स्टेडियम से लेकर बाकी जगह तक के नाम रखे जा सके। और फिर एक बार मैं कहता हूं, जैसा दीदी ने कहा, 3.5 साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के आपको दे देंगे, लेकिन इसके लिए प्रार्थना है ओपीएस भदौरिया को जिताइए, क्योंकि ये चुनाव केवल ओपीएस का नहीं है, याद रखना ये चुनाव मुख्यमंत्री का भी है। मैं बना इसलिए कि ओपी ने 7.5 साल में इस्तीफा दे दिया, अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो शिवराज भी मुख्यमंत्री नहीं बनता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। अरे पंची नहीं छोड़ते लोग, सरपंची नहीं छोड़ते लोग, इनमें तो क्षेत्र के विकास के लिए विधायक का पद छोड़ के कहा कि एक बार ही 17 बार चला जाए, अगर हम सेवा नहीं कर पा रहे तो विधायक लेके क्या करेंगे। ऐसे तपस्या करने वाले विधायक को फिर दोबारा आशीर्वाद दीजिए, ओपीएस भदौरिया को आशीर्वाद दीजिए, शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद दीजिए, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए और उमा दीदी के सपने को पूरा कीजिए। और इसलिए आप सबसे अपील करता हूं, भावों का अपील करता हूं कि बहनों और भाइयों, आज दीदी ने संकल्प दिलाया है, एक बार फिर हम दीदी के संकल्प को दोहराएंगे और दिल दिमाग को उतार के बाकी को भी संकल्प दिलाएंगे कि ओपीएस भदौरिया को, केवल ओपीएस को नहीं, दीदी के सम्मान को शिवराज को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और सिंधिया जी को भी मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए रखने के लिए भारी बहुमत ओपीएस भदौरिया को जिताएंगे। बोलिए सब तैयार है?
जोर से सब तैयार है, ओपीएस को जिताएंगे और जोर से ओपीएस को जिताएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। आइए एक बार फिर से दोनों हाथों पर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के ओपीएस को जिताने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की जय, चंद्रमा सरकार की जय, हमारे भाइयों की जय। और आज ही आजी मैया की जय। और आज हमारे भिंड जिले के वरिष्ठ पत्रकार गणेश भारद्वाजी का जन्मदिन है, उनको भी बहुत बधाई। और पत्रकार मित्रों, जो बीमा की बढ़ी हुई राशि जो पत्रकारों को देनी थी कराने के लिए, वो मैंने आज आदेश जारी कर दिए, अब वो हम भरवाएंगे, पत्रकारों को भरवाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अभी अभी मंच पर सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण को सम्मानित होना है। कैमराज नरबड़िया जनपद अध्यक्ष अटेल आज जी जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, उनको बधाई और शुभकामनाएं। नारायण एजेंसी ने नारायण बना एकीकृत महिला वार्ड का से लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रांजल अंजलि शिवानी मंच पर आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से चेक प्राप्त करें, प्रांजल अंजलि शिवानी राज्य लक्ष्मी योजना अंतर्गत। इसके बाद ग्रामीण आजीविका मिशन की अन्नपूर्णा दौड़े और रचना दिलाकर मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी से 1,00,000 रूपये के चेक प्राप्त करें। इसके बाद पथ विक्रेता योजना ग्रामीणों ने ऊषा और ललिता आकर 70,000 रूपये का लोन चेक प्राप्त करें माननीय मुख्यमंत्री जी से। तत्पश्चात शहरी पथ विक्रेताओं में माता प्रसाद, हरिओम, जितेंद्र, पूरम और राम राघव, नगर परिषद गोरमी माननीय मुख्यमंत्री जी से चेक प्राप्त करें। जिन जिनको जिनका सम्मान होता जा रहा है, कृपया मंच से हटते जाए, दूर हटते जाए, जिससे अन्य सिपाहियों को भी सम्मान प्राप्त करके मंच से हटते जाए, ताकि अन्य लोगों को भी सम्मान मिल पाए। अगले क्रम में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना मृत्यु अनुग्रह सहायता के मिथिलेश को 2,04,000 रूपये का चेक, मीरा को 2,00,000 रूपये का चेक और पपीता चौहान को 2,00,000 रूपये का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त करें। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना मृत्यु अनुग्रह सहायता के चेक प्राप्त करें। मृत्यु अनुग्रह सहायता के चेक प्राप्त करने के लिए मिथिलेश स्वर्गीय जय सिंह, मीरा स्वर्गीय लाखन सिंह, कमलेश स्वर्गीय गिरिराज कुमार, पपीता चौहान स्वर्गीय कमलेश, कृपया स्थान खाली कर दें, जिससे और अधिकारी मंच पर पहुंच पाए, कृपया स्थान खाली कर दें। इसके बाद स्वास्थ्य मिशन के अरविंद सिंह और सुरेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अरविंद सिंह और सुरेंद्र सिंह। तत्पश्चात मैं राजमंत्री माननीय ओपीएस भदौरिया साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें। आदरणीय श्री ओपीएस भदौरिया साहब हमारे अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करेंगे। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का हमारे ओपीएस भदौरिया साहब प्रतीक चिन्ह भेंट कर जोरदार तालियों से, एक बार तो तालियां बनती है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करते जाइए। इसके बाद आदरणीय बीवी सुश्री उमा भारती जी का सम्मान करेंगे। और इसके बाद अरविंद सिंह भदौरिया जी सहकारिता मंत्री मध्य प्रदेश शासन का भी सम्मान हमारे ओपीएस भदौरिया जी द्वारा होगा। और इसके साथ ही आदरणीय भारत सिंह जी स्वतंत्र प्रभार, इनका भी सम्मान। आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री तेज बहादुर सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष अमाइन को आए और